अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ुहैरी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब जी? तो अभी जैसे कि आप जानते हैं कि मैं रेडी शेडी होके खड़ी हूँ, तो आज मैं जा रही हूँ अपनी एक बहुत ही अच्छी, मेरी बहुत ही प्यारी बाजी है, जो कि ना हमेशा से हमें अपनी बहुत सी चीज़ों के साथ, अपनी आदतों के साथ, बड़ी घरेलू घर को संभालने वाली, जो कि बहुत ही अच्छी है। और माता जब भी जाता है ना, तो उनके घर जा के ना उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो क्योंकि तक के एग्ज़ाम्स थे और ये मुझसे पढ़ ही नहीं रहा था, तो मैंने कहा चले उधर जा के जो अपनी आप ही उनसे ये पढ़ भी लेगा और मैं भी ज़रा बाजी से मिल लूँगी। तो मैं अभी उधर जा रही हूँ और ये देखिए मैं रेडी हूँ, मैंने ये पहने हुए हैं, ये मैंने, तो मैं कुछ इस तरह से ये मैंने पहना हुए कपड़े, ये मेरा कुर्ता मैंने ईगो से लिया था वो मैंने पहना हुआ है। और मैं सोची इसके साथ ना कोई दुपट्टा ले लूँ, क्योंकि एक मैंने सिर्फ कुर्ता वहाँ से लिया था, ये ट्राउज़र मैंने इधर से लिया था। हाँ जी, तो हम निकल पड़े हैं जाने के लिए और अभी रास्ते से एक दो काम ये करना है कि कुछ ले लें, है ना। देखते हैं अगर रास्ते में कोई बेकरी आती है तो वहाँ से केक ले लेते हैं। और फिर ये कि तकी कैसा लग रहा है, अब ये कि तकी उनसे कम से कम पढ़ ली, क्योंकि मेरे बस की तो बात नहीं है। मैंने कहा चले, आपको पता है हमारी गाड़ी और हमारा घर गूगल पे आया है। अच्छा, हाँ दिखाऊंगा, देख लो हम कितने फेमस लोग हैं गूगल पे हमारा। तो अभी हम रास्ते में जा रहे हैं और गर्मी का बहुत ही बुरा हाल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि किस कदर गर्मी है। थोड़ा डार्क कलर पहना है तो हैं तो ये नॉन में, लेकिन फिर भी थोड़ी गर्मी लग रही है। जब गाड़ी में जैसे है, जब तक एसी में ठंडा नहीं गया तो गर्मी से बुरा हाल हो। तो खैर अभी जा रहे निकले हमें, जाते हैं जाके लेते हैं रास्ते से कुछ चीज़। वो लोग भी वेट कर रहे हैं, मैंने उन्होंने कल ही कॉल की थी कि मैं आ रही हूँ, तो बस पे पहुँचते हैं उनकी तरफ और आपको मिलवाती हूँ इनसे। बहुत अच्छी हैं ये, मैंने बहुत कम ऐसी औरतें देखी हैं, उनमें से एक ही हैं अपने घर को लेके, अपनी फैमिली को जिस तरह से ये करती हैं अपने घर के लिए, बहुत ही नाइस खतून है, ऐसी औरतें मैंने कम देखी हैं। तो आपको भी मिलवाती हूँ उनसे, दिखा नहीं सकूँगी लेकिन मिलवा तो सकूँगी। चलते उनसे थोड़ी गपशप करते हैं। हाँ जी, तो केक भी ले लिया और बस अभी पहुँचने वाले हैं, उनके कॉल भी काफ़ी आ चुकी हैं। बस वो करते करते क्या होता है ना कि ज़्यादा मुझे मेन इसलिए आई थी कि मेरे से ये पढ़ नहीं रहा था, तो मैंने कहा चलो उधर से थोड़ा मैं भी संडे तो बाजी से भी मिलूँगी और ये उनकी बेटी है उनसे थोड़ा पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि मैं ज़रा गुस्से में आ जाती हूँ जब इससे नहीं होता, तो वो ज़रा प्यार से पढ़ाती हूँ, उससे भी कहता नहीं मैं उनसे पढ़ूँगा उनसे पढ़ूँगा, तो मैंने कहा चलो तुम उनसे अब पढ़ो। तो अच्छा, यहाँ भी काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट बन गए, अच्छा लग रहा है ना। तो बस जी अभी रास्ते में केक लिया, रास्ते से तो हम पहुँचने वाले, ये देखें ये अजमान है, ये यूएई की एक स्टेट है। और यहाँ पे देखें आपको लग रहा है ना कि हम लोग भी फैंस की किसी सोसाइटी से गुजर रहे हैं, तो ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है वैसे तो। बस जी हम पहुँच गए थे और तकी ने पढ़ाई भी शुरू कर दी थी, उसके बाद बाजी ने बस वही तकल्लुफ जो वो हमेशा करती हैं खाना लगा दिया। हालांकि था, मैंने उनको मना भी किया था कि चलें हम इकट्ठे चाय पी लेंगे, क्योंकि मुझे तकी के लिए मैं आ रही हूँ, लेकिन उन्होंने पूरा आप देख सकते हैं किस तरह से इंतज़ाम किया हुआ था। और वो ऐसी ही हैं, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ़ कर रही हूँ, जो भी उनसे मिलता है उनका सबके साथ इखलाक इतना अच्छा है। और वो होता है ना कि आई मीन किसी के बारे में किसी के साथ, आजकल जैसे दौर है ना कि दुनियादारी में हम लोग कुछ ज़्यादा ही पड़ गए हैं, तो वो ऐसी ख़वातीन जो उनमें से हैं जो अभी भी अल्लाह के वाली हैं, अल्लाह के बहुत नज़दीक हैं, और उनके घर में जा के लगता ही नहीं है कि जैसे बस बच्चे हैं, वो भी इतने अच्छे, उनकी तरबियत इन्होंने इतनी अच्छी की है। तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि भाई को तो अल्लाह ने दुनिया में भी दे दी है हूर, और आखिरत में क्या मिलनी। कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ताला मर्दों को दुनिया में ही हूरें दी हुई हैं, कि इतनी अच्छी बीवियाँ उनको अता की हैं अल्लाह ताला। आजकल तो कहते हैं ना कि पहले कहते थे अल्लाह बेटी का नसीब अच्छा करे, अब क्या इंसान कहता है कि अल्लाह मियाँ बेटों का नसीब ज़्यादा अच्छा करे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसी कोई खातून आए
जो उनके घर को यानी कि उनकी ज़िंदगी को एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी बनाए। हर औरत अपनी जगह कोशिश करती है अपना बेस्ट देने की, लेकिन कुछ ये होती हैं कि माशाल्लाह कुछ ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। तो बस मुझे इनकी हर चीज़ बहुत पसंद है इस लिहाज से, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ चीज़ें इनसे सीख के अपनी नॉर्मल लाइफ में अप्लाई करूँ अपने ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग दुनियादारी के अंदर इतने घुस चुके हैं उस तरह से नहीं हो पाता। पर खैर बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। ये देखो इन्होंने मेरी बैटरी लो कर दी। तो अभी हम निकल पड़े हैं घर के लिए क्योंकि बहुत अच्छी दावत रही माशाल्लाह, इतना मज़ा आया, बच्चे भी खुश हो गए, तकी की थोड़ी तैयारी भी होगी। तकी कैसा लगा आपा से पढ़ के? हाँ अच्छा था, पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई। हाँ तकी ने आज पहली बार ज़िंदगी में इतनी पढ़ाई की है, क्योंकि मेरे से इसने इतनी करनी नहीं थी, और मेरे कहने का मकसद लाने का इसको यही था कि ये अच्छे से पढ़ ले, और आपा इसको प्यार से पढ़ाती हैं, मैं थोड़ा स्ट्रिक्टली पढ़ाती हूँ, तो माशाल्लाह अच्छा रह गया। अभी घर जा रहे हैं हम। बस तो घर आते ही ना बच्चे उधर, उन्होंने माशाल्लाह अच्छे से खाया, लेकिन आते इनको ना बच्चे आपको पता है कि रोटी सालन वगैरह इतने शौक से नहीं खाते हैं, और इसलिए आते मामा हमें भूख लगे, तो मैंने इनको जल्दी से ये थोड़े से मैंने कहा स्नैक बना देती हूँ जिसमें नगर्स थे, और हस्बैंड भी आए तो क्योंकि वो तो साथ नहीं गए थे तो उन्होंने भी कुछ खाया नहीं हुआ था, तो मैंने चाय भी बना ली अपने लिए उनके लिए, और थोड़ा सा पास्ता बना लिया क्योंकि फातिमा को भी पसंद है, तो मन के इसके बाबा भी खा लेंगे। तो बस जी ये था आज का व्लॉग, और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो बस जी अभी आपसे फिलहाल इजाज़त चाहती हूँ, सुबह इनके एग्ज़ाम, इनको खिलाते पिलाते हैं फिर सुलाते हैं, आई होप सुबह इसका अच्छा रहे एग्ज़ाम, और इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब खैर, बाय बाय।